भी हसीना हो इस तरह का नहीं लगना, ठीक ना? दोनों हाथ को उठाइए। जो भी हमारे यहाँ अतिथि आए और शरीफ जी, मैं चाहूंगा कि पहले यह उनको कैसा लगा यहाँ योग करा के, हमारा परिवार कैसा लगा, क्या कुछ अपना व्यक्तव्य दे, उसके बाद धर्मराज कार्यक्रम के बाद बिस्कुट की व्यवस्था है, पानी है, आप लोग ले लेंगे। पहले आप लोग हमारे संरक्षक हैं, इन्हीं के संरक्षण में पतंजलि परिवार का खासकर योग लाभ कार्यक्रम होता है और ये बहुत दिन से हमारी हार्दिक इच्छा थी कि सावित्री पब्लिक स्कूल में योग होना चाहिए। आज भगवान हमारे दिल की बात को सुन लिए और इन्होंने मन बना लिया, सिर्फ आज के ही दिन नहीं, अब क्लास में भी योग की कक्षाएं चलेंगी और हर बच्चे को उनका लाभ उठाएंगे। इसके लिए मैं इनका बहुत हार्दिक हृदय से अभिनंदन करता हूँ, इनको धन्यवाद अर्पित करता हूँ। वैसे हम लोग वैसे भी कर रहे हैं कि डे सेशन होगा,
अब जो है सारे भाग से दो मिनट लगते हैं। तो मैं अब समापन की घोषणा करता हूँ। सभी अपने स्थान पर बैठे रहे। संतोष जी पहले आज जो प्रोटोकॉल था उसके आधार पर हमारे योग गुरु जो संजीव बाबू थे उन्होंने कराया। कैसा रहा कार्यक्रम? कार्यक्रम हम लोगों ने तो सोचा था कि संख्या कितनी, काहे कि स्कूल भी में छुट्टी थी, लेकिन बच्चों की उपस्थिति और सभी का हमें योगदान मिला। पतंजलि के हम संरक्षक भी हैं, उनका भी बहुत योगदान मिला, जिस कारण से यह कार्यक्रम अति सफलपूर्ण रहा। शिक्षा के लिए योगा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, पढ़ाई के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि योगा से हमारा मन और हमारी नकारात्मक सोच समाप्त होती है, और अब जब हम सकारात्मक सोच की ओर बढ़ेंगे तो शिक्षा हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करें, इसलिए योग की अति आवश्यकता है शिक्षा के लिए। सर आपका परिचय? मैं निदेशक सावित्री पब्लिक स्कूल राम कुमार साहू। मेरा घर बड़ी मकंदपुर पड़ता है। मैं वैसे अभी अपना सेवा कार्य पतंजलि आरोग्य केंद्र में दे रहा हूँ, और योग शिक्षक के रूप में मैं पहले बाल भारती इंग्लिश मीडियम में अपनी सेवा दे चुका हूँ। फिलहाल हमारे संरक्षक महोदय का आदेश हुआ कि इस योग दिवस के अवसर पर आप हमारे स्कूल में कार्यक्रम रखें, तो उन्हीं के आदेशानुसार हम कार्यक्रम रखे। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कार्यक्रम करते हुए। सर आवश्यक है, ये हम लोग सभी के लिए आवश्यक है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो बच्चे हो या बुजुर्ग हो, किसी कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको कि योगा का आवश्यक नहीं है। ये हर बीमारी को भगाने में सक्षम है और हमारे अंदर सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए ये अति आवश्यक है। आज का कार्यक्रम कैसा रहा? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, इसका सराहनीय हम कर सकते हैं, बाहर में इसकी चर्चा भी कर सकते हैं ताकि और अधिक लोग इससे जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। रुक्मिणी कुमारी, कैसा रहा आज का कार्यक्रम? ये आज का कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय रहा, और मैं ये कहना चाहूँगी कि माता पिता हमेशा चाहते हैं कि बच्चे मेरे तेज हो, अच्छा पढ़ाई करे, पढ़ाई में तेज हो, आगे बढ़े, वो पढ़ाने का बर्डन देते रहते हैं, लेकिन उनको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि माइंड शार्प कैसे हो, और यह माइंड शार्प तभी होगा जब बच्चे योग करेंगे। इससे ब्रेन फ्री रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, बच्चे को खेलने के साथ साथ योग भी करवाना चाहिए, तभी वह पढ़ाई में भी तेज तर्रार रहेगा। अब शिक्षिका है कि बच्चे को अब खेल कूद और मैदान से धीरे धीरे दूर किया जा रहा है, मतलब मैदान भी नहीं बचा है। आप मानती हैं कि खेल कूद के जगह पर एक योग जो घर बैठे किया जा सकता है, इससे लाभ मिलेगा उसके पढ़ाई में, उसके कार्यों में? बहुत लाभ मिलेगा, इससे उसका दिमाग शांत रहेगा, उस अध्ययन जो भी करेगा वो दिमाग में उसका टिका हुआ रहेगा, पढ़ाई में भी मन लगेगा और वह मन से पढ़ाई भी करेगा, शरीर स्वस्थ भी रहेगा। यह योग बच्चों के प्रोग्रेस के लिए अति आवश्यक है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि इस ओर बच्चे को प्रेरित करें, ना कि उसको उधर से हटाए। यह माता पिता के लिए भी सराहनीय होगा कि वो अधिक से अधिक बच्चों को प्रेरित करें योगा करने के लिए। नवरतन कुमार, सावित्री स्कूल के सहायक शिक्षा। आज जो है 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सावित्री पब्लिक स्कूल के तरफ से सभी देशवासियों को धन्यवाद एवं उनके स्वास्थ्य की मंगलमय कामना करता हूँ। जय हिंद। योग वास्तव में आज के युग की बहुत अधिक आवश्यकता है। संपूर्ण मानव को चाहिए कि योग से जुड़ें और एक योग्य योग गुरु के देखरेख में कुछ दिनों तक वो योग करने की क्रिया को सीखें। योग से सिर्फ हम स्वस्थ ही नहीं रख सकते, बल्कि योग के द्वारा हम अध्यात्म की ओर भी बढ़ सकते हैं। एक योगी योग के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अतः पूर्णतः स्वस्थ रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए और ऊर्जावान रहने के लिए हमें नियमित रूप से कम 1 घंटे योग अवश्य करना चाहिए।